क्लास 10th मैथमेटिक्स की वीडियो लेक्चर क्लास में एक बार फिर से आपका मोस्ट वेलकम है। तो बच्चों, आज जो हम करने जा रहे हैं वो सेक्शन फार्मूला, जो प्रीवियस वीडियो था उसमें हमने सेक्शन फार्मूला पे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और सेक्शन फार्मूला को समझा था, तो उसी सीरीज में आज मैं एनसीईआरटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो मैं ले रहा हूँ। क्वेश्चन है फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए 1-5 एंड बी 4-5 इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। ठीक है बच्चों, एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है और 2014 में एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन भी है। ठीक है, क्या है क्वेश्चन? फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए 1-5 एंड बी 4-5 इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। हमको वो रेशियो निकालना है जिस पे एक लाइन सेगमेंट जिसके पॉइंट्स जो हैं ए और बी हमें गिवन है, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है उस रेशियो को निकालना है हमको। ठीक है, कौन सा पॉइंट? एक्स एक्सिस। ठीक है, इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पर कौन सा पॉइंट। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। उसके बाद हमको उस पॉइंट को भी निकालना है जिस पॉइंट पे ये इसको डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो दो चीजें निकालनी है क्वेश्चन में हमने, एक तो रेशियो निकालना है और दूसरा वो पॉइंट भी निकालना है एक्स एक्सिस पे। देखते हैं सेक्शन फार्मूला का यूज करके हम कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे। सबसे पहले हम लेट कर लेंगे, लेट द रेशियो बी के रेशियो 1। सपोज कर लेते हैं हम रेशियो जो है वो हमारा के रेशियो 1 है, ये हमारे पॉइंट्स हैं ए और बी, इसका कोऑर्डिनेट है हमारा 1-5 और इसका कोऑर्डिनेट है 4-5। हमने क्या ले लिया यहाँ पर, एक पॉइंट ले लिया पी जो इस लाइन सेगमेंट ए बी को के रेशियो 1 में डिवाइड करता है। देन द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी बाय सेक्शन फॉर्मूला, क्या होता था सेक्शन फॉर्मूला हमारा, एक्स वाई इज इक्वल टू एम टू एक्स वन एम वन एक्स टू अपॉन एम वन प्लस एम टू एम टू वाई वन एम वन वाई टू अपॉन एम वन प्लस एम टू, ये होता था हमारा सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, अब इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। हमारे पास जो वैल्यूज हैं उनको लिख लीजिए आप, वैल्यूज क्या क्या है हमारे पास देखते हैं। एक्स वन हमारे पास क्या है 1, एक्स टू क्या है, एक्स टू यहां से मिलेगा 4, वाई वन हमारे पास क्या है 5 एंड वाई टू क्या है 5, और रेशियो जो गिवन है वो हमने कंसीडर किया है के रेशियो 1, इसका मतलब है एम वन के एंड एम टू हमारा 1 है। तो ये वैल्यूज हम इस सेक्शन फॉर्मूले की में पुट कर देंगे। तो करते हैं पुट, एम टू की जगह पे 1, एक्स वन 1, एम वन की जगह पे के, एक्स टू 4 अपॉन एम वन प्लस एम टू, एम वन प्लस एम टू में के प्लस 1। सेकेंड आते हैं एम टू वाई वन, एम टू कितना है हमारे पास 1, वाई वन 5 प्लस एम वन के एंड वाई टू 5 अपॉन के प्लस 1।
थोड़ा सा सॉल्व करके इसको लिख लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस 4 के अपॉन के प्लस 1, सेकंड हो जाएगा माइनस 5 प्लस 5 के अपॉन के प्लस 1, ठीक है। तो ये पॉइंट हमारे पी के कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं। अब हमें उसने क्वेश्चन में कह रखा है कि रेशियो जो है इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस, ये क्या है, एक्स एक्सिस को डिवाइड कर रहा है। कहने का मतलब है अगर कोई लाइन सेगमेंट पे कोई पॉइंट पी एक्स एक्सिस पे उसको डिवाइड कर रहा है तो इट मीन्स उसका एक्स का कोऑर्डिनेट तो है बट वाई का कोऑर्डिनेट नहीं है, इट मीन्स वाई इज इक्वल टू जीरो। वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। दस हम क्या करेंगे, जो हमारा पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट आया उसमें वाई की वैल्यू को हम जीरो रख देंगे, कितना रख देंगे जीरो। तो y इज इक्वल टू जीरो रखते हैं इसमें, माइनस 5 प्लस 5 के अपॉन k प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो। जैसे ही हम जीरो रखेंगे तो क्या होगा, देखिए माइनस 5 प्लस 5 के इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई में चले जाएगा। यहाँ से हम देखते हैं 5 के इज इक्वल टू क्या होगा, 5 k इज इक्वल टू क्या आ गया 1, तो k की वैल्यू क्या आ गई 1। सो द रेशियो इज तो हमें जो रेशियो फाइंड करना था वो रेशियो क्या आ रहा है, 1:1। अच्छा इसके बाद हमको कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट में निकालने थे तो वो भी लिख लेते हैं। 10 द पॉइंट ऑफ डिवीजन, जो पॉइंट ऑफ डिवीजन है वो कितना हो जाएगा, इस k की जगह पे 1 आप पुट कर दीजिए तो क्या होगा, 1 माइनस 4 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस 1, यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा माइनस 5 इंटू 5 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस 1, ये हो गया आपका माइनस 3 अपॉन 2 एंड 0। तो हमारे दोनों आंसर आ गए हैं, हमारा रेशियो भी आ गया 1:1 एंड दैट द पॉइंट ऑफ डिवीजन क्या आ गया, माइनस 3/2। तो अलग से लिखने की जरूरत नहीं, आप यहीं पर अंडरलाइन कर दीजिए, क्या है द रेशियो इज 1:1 एंड द पॉइंट ऑफ डिवीजन इज -3/2 0। आई होप ये क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा, ठीक है। वीडियो को दोबारा देखें, अगर समझ में नहीं आया है तो दोबारा देखें और प्रैक्टिस करें। इसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेने जा रहा हूँ, लगभग सिमिलर क्वेश्चन है, जैसे इसमें x एक्सिस गिवन है तो इस क्वेश्चन में y एक्सिस गिवन है, तो थोड़ा सा देख लेते हैं इसको भी, क्योंकि ये आपका 2 times बोर्ड एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन, एक बार 2016 में आया और एक बार 2020 में भी आया हुआ है क्वेश्चन। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट joining the points 5 minus 6 and B minus 1 minus 4, point A is divided by y एक्सिस, ठीक है। जैसे मैंने बताया था कि x एक्सिस था इससे पहले वाले क्वेश्चन में, इसमें क्या है y एक्सिस है। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन, ठीक है, वही चीज है, पॉइंट ऑफ डिवीजन भी निकालना है हमको और रेशियो भी फाइंड आउट करना है कि इस लाइन को किस रेशियो में ये डिवाइड करेगा और जो पॉइंट है वो कहाँ पर है, वाई एक्सिस पे है, ठीक है। तो वही जैसा प्रोसेस था हमारा, लेट द रेशियो बी के रेशियो 1, ठीक है, के रेशियो 1 ले लिया, पॉइंट है हमारा ए पॉइंट बी पॉइंट, पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट हमको गिवन है 5 माइनस 6, पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट हमको गिवन है माइनस 1 माइनस 4, इस पर कोई पॉइंट है पी जिसका कोऑर्डिनेट हमको फाइंड करना है, ठीक है।
तो बाय यूजिंग सेक्शन फार्मूला हम इस पॉइंट बी को फाइंड आउट करते हैं। क्या होता था सेक्शन फार्मूला? नाउ द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी बाय सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला फिर से लिख लेते हैं, एम टू एक्स वन प्लस एम वन एक्स टू अपॉन एम वन प्लस एम। सेकेंड एम टू वाई वन प्लस एम वन वाई टू अपॉन एम वन प्लस एम। ठीक है, यही होता था सेक्शन फार्मूला। यहां पे से एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू की वैल्यू लिख लेते हैं। एक्स वन हमारे पास कितना है बताइए, फाइव। वाई वन हमारे पास कितना है, माइनस सिक्स। एक्स टू हमारे पास कितना है, माइनस वन। वाई टू हमारे पास क्या है, माइनस फोर। ठीक है, और एम वन और एम टू की वैल्यू क्या है, एम वन हमारे पास के और एम टू हमारे पास वन है ना। तो अब सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। एम टू एक्स वन, एम टू कितना है देखिए जरा, वन। एक्स वन फाइव, यहाँ पे कितना आया बीच में साइन, प्लस एम वन के। एक्स टू माइनस वन अपॉन एम वन प्लस एम। ठीक है, के प्लस वन या वन प्लस के कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट एम वन एम टू वाई वन, एम टू हमारे पास है वन, वाई वन है हमारे पास माइनस सिक्स, प्लस एम वन इंटू वाई टू, वाई टू हमारे पास है माइनस फोर अपॉन वन प्लस के। सॉल्व कर लेते हैं फिर, फाइव माइनस के वन प्लस के, माइनस सिक्स माइनस फोर के अपॉन वन प्लस के। यह हमारा वो पॉइंट आ गया जो इसको के रेशियो वन में डिवाइड कर रहा है, पी पॉइंट। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इट इज गिवन दैट द पॉइंट डिवाइड बाय द वाई एक्सिस। पॉइंट किससे डिवाइड हो रहा है, वाई एक्सिस से डिवाइड हो रहा है। तो वाई एक्सिस पे अगर डिवाइड हो रहा है तो इट मीन एक्स पे कोऑर्डिनेट क्या होगा, जीरो होगा। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस देयरफॉर एक्स का कोऑर्डिनेट हम जीरो रख देंगे, फाइव माइनस के अपॉन वन प्लस के इज इक्वल टू जीरो। यहां पे देख सकते हैं आप, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, सॉल्व करते हैं और के की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। के की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां से देखिए, फाइव माइनस के इज इक्वल टू जीरो, इट मीन्स के इज इक्वल टू फाइव। सो द रेशियो इज 5:1। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट आंसर आ गया जिसमें हमको रेशियो फाइंड करना था। नाउ द पॉइंट्स ऑफ डिवीजन क्या हो जाएंगे, जो हमारा पॉइंट निकला था उस पर के की जगह पे आप क्या रख देंगे, के की वैल्यू रख देंगे 5। तो क्या होगा, 5 माइनस फाइव अपॉन वन प्लस फाइव या फाइव प्लस वन, माइनस सिक्स माइनस फोर इंटू फाइव अपॉन फाइव प्लस वन। ठीक है, थोड़ा इसमें कंफ्यूज मत हो ना, मैंने के की वैल्यू आगे लिख दी है। ठीक है, सॉल्व करते हैं, 5 माइनस फाइव जीरो, इट मीन्स जीरो। नेक्स्ट माइनस सिक्स, माइनस फाइव फोर जै ट्वेंटी, माइनस 26 अपॉन 6, इसको थोड़ा सा हम सॉल्व कर सकते हैं, 13 बाई 2 3 का 6, 0 माइनस 13 बाई 3। सो द पॉइंट कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन इज 0 माइनस 13 बाई 3 और रेशियो क्या है हमारा, 5:1। दीज आर द आंसर्स। आई होप ये दोनों क्वेश्चन ही आपको इजीली समझ में आ गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एनसीईआरटी बुक का ही है क्वेश्चन, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेक्शन फार्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन जो है एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं, ऑप्शनल क्वेश्चन है ये, इसमें आपको चॉइस दे रखी है
तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन। इफ ए बी इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ए 10 माइनस 6 एंड बी के 4 एंड ए माइनस 2 बी इज इक्वल टू 8 द वैल्यू ऑफ के इज नंबर 1 30 बी 22 सी 4 डी 40। ठीक है क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा इफ ए बी इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ए एंड बी। ए पॉइंट है हमें गिवन और बी पॉइंट गिवन है। ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 10 माइनस 6 और बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है के 4। और इस पर कोई मिड पॉइंट है पी जिसका कोऑर्डिनेट है ए बी। अभी बात समझे इफ ए बी इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ए एंड बी। एक रिलेशन भी हमको गिवन है कि ए माइनस टू बी इज इक्वल टू क्या है 8। ए माइनस टू बी इज इक्वल टू 8 है देन द वैल्यू ऑफ के इज। तो के की वैल्यू इन फोर ऑप्शंस में से कौन सी वैल्यू होगी। ठीक है तो देखते हैं मिड पॉइंट के लिए सेक्शन फार्मूला जो था हम सेक्शन फार्मूले का ही यूज करेंगे। बट यहाँ पर हम मिड पॉइंट का एक बार फार्मूला भी देख लेते हैं और उसको डायरेक्ट लर्न भी कर लेंगे। ठीक है तो जैसे आपको पता है कि अगर ये मिड पॉइंट है तो इट मीन्स ये इसको 1 और 1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है बाय सेक्शन फार्मूला क्या होता था m1 x2 अपॉन m1 plus m2। ये x फाइंड करने का होता था फॉर्मूला m2 y1 plus m1 y2 अपॉन m1 plus m2। ये हमारा y फाइंड करने का फॉर्मूला होता था। ठीक है अब जरा m1 की जगह पर 1 और m2 की जगह पर 1 रखते हैं तो देखिए क्या होता है m1 की जगह पे हमने 1 रखना है और m2 की जगह पे भी 1 रखना है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x1 plus x2 नीचे 1 plus 1 2। सिमिलरली 1 into y1 y1 1 into y2 y2 अपॉन 1 plus 1। तो यहाँ पर हमको मिड पॉइंट के लिए फार्मूला मिल चुका है कि मिड पॉइंट का फार्मूला जो होगा हमारा क्या होगा x1 plus x2 divided by 2 y1 plus y2 divided by। अब आप इस फॉर्मूले को लर्न करके डायरेक्ट अप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है अगर आप इसको नहीं समझ पा रहे डायरेक्ट अप्लाई नहीं करना चाहते तो आप m1 m2 की वैल्यू 1 1 रख के भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो अब मैं इसको मिड पॉइंट के ही फॉर्मूले से करूंगा यहां पर। ठीक है नाउ मिड पॉइंट P जिसका कोऑर्डिनेट है ए बी क्या बताया मैंने फॉर्मूला x1 plus x2 divided by 2 y1 plus y2 divided by 2 यही फॉर्मूला हमने निकाला था। अभी क्या हो जाएगा ए बी इज इक्वल टू x1 10 x2 k upon 2 y1 minus 6 y2 plus 4 upon 2। सॉल्व कर लेते हैं k plus 10 divided by 2 -6 plus 4 -2 divided by 2 फाइनली k plus 10 by 2 एंड -1। अब क्वेश्चन में आप देख रहे हैं हमको फाइंड क्या करना है k की वैल्यू फाइंड करनी है द वैल्यू ऑफ k और k इसमें आ गया है। अगर इसको कंपेयर करें ए बी के साथ तो हम देखते हैं a की वैल्यू क्या आ रही है k plus 10 by 2 और b की वैल्यू क्या आ रही है -1 आ रही है। ठीक है
अब हम देखते हैं जो रिलेशन हमको गिवन है. नाउ बाय द रिलेशन, नाउ बाय द गिवन रिलेशन, रिलेशन क्या है, a माइनस टू बी इज इक्वल टू एट. पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a एंड b, वी गेट, रख देते हैं a की जगह पे k प्लस 10 बाई टू एंड इन प्लेस ऑफ b माइनस 1. ये हो जाएगा आपका k प्लस 10 बाई टू माइनस माइनस प्लस 2 इज इक्वल टू 8. इट मीन्स k प्लस 10 बाई 2 इज इक्वल टू 8 माइनस 2 इज इक्वल टू 6. क्रॉस मल्टीप्लाई में चले जाएगा, हमारे पास क्या हो जाएगा, k प्लस 10 इज इक्वल टू हो जाएगा 12. इट मीन्स k इज इक्वल टू 12 माइनस 10, k इज इक्वल टू 12 2 सॉरी k इज इक्वल टू क्या आ गया 2. तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, ऑप्शन रहेगा k इज इक्वल टू 2 हमारा सही. थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज कर लेंगे, बाई मिस्टेक्स ऑप्शन मैंने गलत दे दिया. इसमें जो ऑप्शन ए है वो 3 है, ऑप्शन बी 2 है और सी 4 और डी 40 है. तो अगर देखें हम तो ऑप्शन हमारा बी सही है. दस द ऑप्शन बी के इज इक्वल टू 2 इज आवर आंसर. ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे चेंज कर लेंगे क्वेश्चन में, बी ऑप्शन 2 है, ए ऑप्शन 3 है. ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपके. तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है बहुत सारे आपको मिल जाएंगे. ठीक है, अच्छा इसके बाद एक चीज़ में, अगर आपको बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए या आपको बोर्ड से रिलेटेड जो एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स चाहिए तो आप मेरे को ईमेल आईडी सेंड कर दीजिए, मैं आपकी ईमेल आईडी पर उसको सेंड कर दूंगा. ठीक है, तो आप ईमेल आईडी जो है कमेंट में लिख के मेरे को सेंड कर सकते हैं और आप उसमें ये भी लिखें कि आपको बोर्ड के पेपर्स, बोर्ड के क्वेश्चंस चाहिए या आपको उस पर नोट्स चाहिए, तो मैं अपनी तरफ से उसको प्रोवाइड करने की 100% कोशिश करूँगा. तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू.